स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करें लॉयड स्टील के बारे में। धमाकेदार खबर आ गई दोस्तों, अभी लो लग गया सपाट पर सर्किट, अब जाएगा भैया 50 के पार। ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में लॉयड स्टील का एक भी यूनिट है ना, तो ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, शेयर की थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं एक बार। तो देखो, 14.45 रुपये का आज हाई गया था, 13.30 रुपये का लो बनाया था। सुबह मॉर्निंग में मौका भी दिया था, भैया बाई करने वाले बाई करो, सेल करने वाले सेल करो। फिर सपाट अपर सर्किट में लो कर दिया 11 बजे इसको, और पूरे दिन भैया अपर सर्किट में लो था। देखो दोस्तों, मैंने आपको हर बार बताया लॉयड स्टील जो डिविडेंड भी दे रहा है, डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है, कल की वाली वीडियो में देखा होगा। और ये कंपनी बहुत ज़्यादा क्रेज हो गई भैया, 27-28 रुपये का शेयर आपको मिल रहा था 10 रुपये में, फिर भी आप नहीं लिया। लेकिन देखो, ये अपने सपोर्टों पर है, इस पर अपर सर्किट लग गया। मैंने रात की वीडियो में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर सस्टेन होना बहुत जरूरी है, तभी ये 20 के पास जाएगा। अभी ये अपर सर्किट में लॉक हो गया है, तो पहला टारगेट इसका 20 का निकल के आता है, क्योंकि 20 से पहले ये रुकेगा नहीं। 20 पर सस्टेन होता है तो भैया नॉन स्टॉप बाउंड्री हाई को ये क्रॉस कर देगा, और सभी इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बता रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं। देखो यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं। नीचे का सपोर्ट है 13.27 का, 12.73 का, 11.87 का। ऊपर के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, 14.67 है, 15.53 है, 16.7 है, ये ऊपर के रजिस्ट्रेशन है इसके। और यहाँ पे देखो, इसने बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया, माई गॉड। आज 64 लाख ही शेयर आए थे मार्केट में, क्योंकि भैया फिर तो 11 बजे सपाट अपर सर्किट में लॉक हो गया था ना। कल देखो 2 करोड़ आए, 83 लाख है, 50-60% माल है, लोग घर पर भी लेके जा रहे हैं। एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो बोल रहा है सेल कर दो, सभी लोग बोल रहे हैं कि बाय करके अपन को चलना है। और देखो, वो तो आपको समझ जाना चाहिए, पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि प्रमोटर ने दबा के माल खरीदा है और अपना प्लीज भी क्लियर किया है, तो भैया बहुत बड़ा होने वाला है ना, तभी तो प्रमोटर ने माल खरीदा, वरना क्या जरूरत थी प्रमोटरों को। और यहाँ पे देख लो भैया, 3,35,000 ऑलमोस्ट 4 लाख का बाइंग ऑर्डर, माई गोड। 14.45 रुपये में भी लोग लाखों ले रहे हैं, लेकिन जब भैया से लो सर्किट में था तब नहीं लिया। देखो 13.30 रुपये था, नहीं लिया, लेकिन जैसे अपर सर्किट लगा 4.45 रुपये में, मार्केट बंद होने के बाद में EM ऑर्डर लगा रखा है इस लोगों ने। अब देख लो भैया, यही है, अपर सर्किट जाता है तभी लोग खरीदते, लेकिन आप विपरीत करो, लोअर सर्किट में खरीदा करो, तभी मजा आता है भैया किसी भी स्टॉक को बाय करने का। यहाँ पर आपको मैं इंडिकेटर की बात है और दिखा देता हूँ दोस्तों कि इंडिकेटर क्या है। आपकी रात को वीडियो देख लिया होगा आपने, ये डिविडेंड दे रही है 4 अगस्त को, वो मैंने रात की वीडियो में क्लियर कर दिया। और यहाँ पे देख लो भैया, पूरा शेयर बुलिश आ गया, 15 बुलिश है, 1 बेरिश है, आज ये पैसा की लगा है ना इसलिए। और ये पूरा बुलिश है, मतलब सभी इंडिकेटर बाइंग सिंगल दे रखा है काफ़ी दिनों से, और ये सपाट अपर सर्किट में लॉक हो गया। अब आपके पास में ये स्टॉक है तो भैया लोट लगने वाली है, अब ये रुकेगा नहीं, अपने बाउंड्री खाई को पहले रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देखो इस क्वार्टर के, देखो अभी क्या है, रिसेंटली में प्रमोटर ने माल भी खरीदा है, अपना प्लीज भी हटाया है, तो भैया अब इसमें एक खतरनाक रैली आएगी। Q1 का रिजल्ट भी अच्छा था, अब रुकने वाला नहीं है, अब बाउंड्री खाई 28 रुपये को क्रेश कर देगा। अब आपके पास में ये स्टॉक है तो भैया लोट लगी है, और जिन्होंने सेल कर दिया लोअर सर्किट में उनकी कुछ नहीं बोल सकते। अब आप टाइटल होल्ड करते, देखो दोस्तों कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रेश हो गई थी भैया, 28 रुपये का शेयर क्रेश होकर आपको 8 रुपये में मिल रहा था। अब बताओ कितना क्रेश हो गया, 28 रुपये का शेयर 8 रुपये आ गया था, सभी लोग डर गए थे भैया, बोरी भर के नेगेटिव कमेंट और सेल कर दिया। लेकिन अब देख लो 8 से 13 हो गया ना, 13-14 हो गया, अब ये सपाट अपर सर्किट में लॉक हो गया, क्योंकि समझना होगा इस टाइम पर क्या है, Q3 के बाद में से मार्केट में तबाही मची थी, सभी स्टॉक गिरे हुए थे, इस कारण से स्टॉक आल स्टॉक गिरे हुए थे, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन आल स्टॉक गिरे हुए थे, बस आपने समझा नहीं। आप लोअर सर्किट देख के डर जाते हो, जब तक आप डरते रहोगे मार्केट आपको डराता रहेगा और आपको चिल्लर भी हाथ नहीं आएगी। अब बस ये सपाट अपर सर्किट में लॉक है, अब रोज धमाके पे धमाका होगा, अब बाउंड्री खाई को ये क्रॉस कर देगा। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, थैंक यू।